आत्मी गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दो दिवसीय महिला बिहार केसरी कुश्ती व शहबाद केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के महिला पहलवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य केंद्र बिंदु फिल्म के पर्दे पर महिला पहलवानी का लोहा मनवाने वाली जरीना शेख रही, जिन्होंने रियल कुश्ती प्रतियोगिता में भी पहलवानी का लोहा मनवाया। जरीना ने महिला बिहार केसरी मंजू कुमारी को 10-0 से पछाड़ा। इस महिला कुश्ती प्रतियोगिता में काफ़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति थी, जो खिलाड़ियों के हर दांव पेच पर जयकारों की गूंज लगा रहे थे। दर्शकों ने तालियों के गड़गड़ाहट से पूरी प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिया। इससे पूर्व बक्सर जिला कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह विशिष्ट अतिथि व भोजपुर जिला कुश्ती संघ के मुख्य संरक्षक प्रखर समाजसेवी इंजीनियर संजय शुक्ला, डाक अधीक्षक सिद्धेश्वर कुमार सहित अन्य लोगों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर इसका शुभारंभ किया। ये पूरा साहब आपके माटी बहुत जोरदार माटी है, ऐसा से तो हम चाहते कि एक से एक पहलवान निकलो। और आजकल का टेक्निकल चीज हो गई बनो, जोर चाहिए, ताकत चाहिए, दिमागी ताकत भी चाहिए। जितना कोच लोग बा एक से एक, और जितना अनुकरणीय जे अपना के जैसे मक्का पहलवान जी, मोदी जी, अरे भाई हम तो बहुत खुश हो गए कि आप ही लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा गुणवत्ता से भरा हुआ कुश्ती हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे हमारे इस पूरे शाहबाद के लोगों का। और मैं बता रहा हूँ कि मैं कहीं भी टाटा हो, JSW हो, गवर्नमेंट का जो प्रतिष्ठान हो, लेकिन क्वालिटी चाहिए, खोखला नहीं, ठोस चाहिए, हार जीत कुछ नहीं। अरे एक तो बंदा जीतेगा ही ना, लेकिन भागीदारी और निरंतर बढ़ोतरी कुश्ती के क्षेत्र में, ये हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। खास करके जितने भागीदारी जितने खिलाड़ी लोग हैं, और मून जी पासवान, अरुण जी, ये लोग तो भयानक, ये लोग तो बहुत ऊंचे चरित्र के हैं। उधर छोटे सिंह बैठे हैं, और भी यहाँ के बहुत लोग को हम अनिल जी, बहुत से लोग से हमारा आवे के मकसद में लोग से मिले थे। हम बहुत भूखा है, कहीं को बना के रखी का समय बताई, हर चीज पैसा पर ना हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मून जी और अरुण जी और एजा के जितना प्रतिनिधि बार चाहे जो आए वाला चुनाव में खड़ा हो, कहीं सब लोग जिम्मेवार आदमी जो एक सीवान से उनकी खुशी देख चुके हैं, हम बेटी है उन उस वजह में मंजू कुमारी पूर्व बिहार के श्री जो किला मैदान में 2019 में झंडा लेकर गई थी हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथों से, वो है। और उप विजेता राधा कुमारी, उप विजेता राधा कुमारी भोजपुर, और एक और है बिहार केसरी वजन में है। तो इस चारों में से कौन विजेता बनेगा, इस चारों से चारों की कुश्ती होगी। जो तीन कुश्ती जीत जरीना और मंजू के बीच, हम आग्रह करेंगे वो साहब से कि दोनों का कस्टम जरीना करे और मंजू की बिहार से ही है। तो महिला दिवस के अवसर पे आप लोगों को क्या कहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि बिहार में ज्यादातर बहुत आगे कम लड़कियाँ निकल रही है, तो सरकार भी ज़्यादा सुविधा भी दे रही है लड़कियों के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स उनको ना सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और बच्चों का टैलेंट देखें कि किस में आगे जा रहे हैं, उसमें फुल सपोर्ट दे के बच्चे आगे निकलें। सरकार भी तो बढ़ावा दे रही है खेलों को। हाँ, बहुत ज़्यादा दे रही है, बट जो यहाँ पे जो सोच है
इंसानों का, समाज का, तो उससे बच्चे आगे नहीं आ पा रहे हैं। आप फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं? जी सर, मैं सुल्तान और दंगल दोनों मूवी में कर चुकी हूँ और ट्रेनिंग भी दे चुकी हूँ। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम शेख सरीना है, मैं सिवान जिला से हूँ। मैं SSP दिल्ली में पोस्टेड हूँ, कॉन्स्टेबल। मैं वहाँ पे छोटराम स्टेडियम रोहतक में प्रैक्टिस करती हूँ। सर, कुश्ती संघ के तत्वाधान में इस अतमी गांव में बहुत सारे पहलवान को इस धरती ने सामने लाके लोगों के लिए एज ए टॉर्च बेयरर खड़ा किया है। ये बहुत ही अनुकरणीय काम है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण, महिला की भागीदारी या कुश्ती में, वो भी कृषि क्षेत्र में, जब तक नहीं होगी तब तक सशक्तिकरण हो नहीं सकता है इस कृषि प्रधान क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है और अनुकरणीय आयोजन है। सरकार तो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन स्थानीय लेवल पर बेटियों को पढ़ाने या आगे बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं किया जाता है? नहीं, चीजें बदल रही हैं और जहाँ भी कमी है, सरकारी प्रयत्न हो या प्रयास हो या नॉन सरकारी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज या सामाजिक संस्था, चीजें बदल रही हैं, क्योंकि महिला खुद अपना हक अब ले रही है। जनप्रतिनिधि का मामला हो या स्पोर्ट्स में भागीदारी की बात हो, यहाँ पे जो महिला दिवस के दिन जो एक कुश्ती का आयोजन हुआ है बिहार केसरी का, ये तो आप देखिए, एक से एक पहलवान, महिला पहलवान यहाँ भागीदारी की है। वो जरीना आई है जो दंगल फिल्म में थी, तो ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज देगा और सशक्तिकरण होगा। हम लोग जैसे, हम आप जैसे लोग, मुंजी पासवान, अरुण सिंह, ये इस तरह के लोग रहेंगे तो जरूर सशक्तिकरण होगा। और महिला की सशक्तिकरण यहाँ नहीं भी हुई, एक भावी मुखिया अभी आके बोल रही थी तो हमें काफी अच्छा लगा। तो जनप्रतिनिधि को भी और अग्रणी जैसे भी बूढ़े बुजुर्ग, छोटे यंग, सबको महिलाओं को सशक्त करना ही पड़ेगा। सर, आपका परिचय क्या है? मैं इंजीनियर संजय शुक्ला, एक प्रख्यात चिंतक, और मैं एक वाइस प्रेसिडेंट था। मैं आजकल सामाजिक राजनीतिक, पिछले 4 साल से खास करके पूरे शाहबाद क्षेत्र में बहुत प्रबलता के साथ लगा हुआ हूँ कि कुछ भी बढ़िया हो, सकारात्मकता आए, सार्थकता आए।